मंडी जिला पुलिस ने 14 किलो 154 ग्राम चरस के साथ चरस तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पिछले कल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चरस की भारी भरकम खेप स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर HP 76 3921 में ले जा रहा है। इसी आधार पर बल थाना पुलिस की टीम ने गलमा के पास नाकेबंदी की और गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली तो उसमें से चरस की भारी भरकम खेप बरामद हुई। गाड़ी में सवार देवी सिंह उर्फ सूर्या पुत्र चैत्रुराम निवासी गांव धमरेड़ तहसील पदर को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में एक अन्य व्यक्ति भी सवार था जो मौके से भाग गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी को पकड़ने के तुरंत बाद पुलिस ने एक टीम गठित की और आरोपी के घर पर जाकर छापेमारी की। गठित की गई टीम में DSP अनिल पटियाल, DSP लोकेंद्र नेगी, SHO कमलेश, सब इंस्पेक्टर नोकराम, SHO जोगिंदर नगर प्रणब चौहान और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। घर पर की गई छापेमारी में पुलिस को 1,03,000 नकद गहने, डिजिटल तराजू, जमीन के कागजात, गाड़ी के कागजात, जीवन बीमा के कागजात, खाली मोबाइल फोन के डिब्बे और कुछ सिम कार्ड बरामद हुए हैं। SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि आरोपी की सारी संपत्ति की जांच की जाएगी और यदि संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की गई होगी तो उसे भी मामले के साथ जोड़ा जाएगा। SP मंडी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में मंडी जिला पुलिस ने चर्च की ये सबसे बड़ी खेप बरामद की है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस पिछले 3 दिनों से 20 किलो से अधिक चर्च की खेप अलग अलग मामलों में बरामद करने में कामयाब हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के आदेशों के तहत चर्च तस्करी की बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसने में पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और ये जब इनपुट हमें पूरा पुख्ता तौर पे जानकारी हुई तो SHO बल इंस्पेक्टर कमलेश और उनकी टीम और साथ में स्थानीय प्रधान और नायब तहसीलदार बल उनकी प्रेजेंस में इस गाड़ी को रोका गया और इस गाड़ी की जो सर्च ली गई। सर्च के दौरान जैसे कि इनपुट था हमें 14 किलो 154 ग्राम किलोग्राम 14 किलो 154 ग्राम चरस जो है इस गाड़ी से हमें रिकवर हुई थी। और ये जो व्यक्ति है इनका नाम जो है देवी सिंह, इनको सूर्या नाम से भी इस ड्रग सर्कल में जाना जाता है, जो कि गांव दमरेड़ झटिंगरी जिला पद्दर जिला मंडी तहसील पद्दर के रहने वाले हैं। इनको जो है इस गाड़ी के समेत चरस के साथ जो है अरेस्ट किया गया। घर की जो छानबीन है और घर की जो तलाश है उसमें हमें 1,03,000 रुपये जो है वो कैश, साथ में कुछ गहने, एक डिजिटल तराजू, लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जीवन बीमा पॉलिसीज, FDs, पासबुक्स, मोबाइल फोन के खाली बॉक्सेस और सिम कार्ड्स, वाहन के रजिस्ट्रेशन के NOC और डिफरेंट रजिस्ट्रेशन के कागजात, ये उस जगह से पूरे बरामद किए गए। फर्दर इसमें क्योंकि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एक मेजर एंगल रहेगा, इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये जो चरस है ये सप्लाई हो रही थी तो हम इसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगे। व्यक्ति के जो भी एसेट्स हैं और परिवार के जो एसेट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। वो लीगल सोर्सेज से अगर नहीं पाए गए और इलीगली एक्वायर किए गए हैं तो NDPS एक्ट के 68 सेक्शन के अंतर्गत हम उसमें फर्दर कार्रवाई अमल में लाएंगे। मुझे लगता है कि ये पिछले 10 वर्षों में मंडी ज़िला में काफ़ी इससे बड़ा कोई कैच नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में, और हमारा प्रयास है कि हम कमर्शियल क्वांटिटी जैसे कि पुलिस हेडक्वार्टर और राज्य सरकार के हमें आदेश हैं कि बड़े जो नेटवर्क हैं उनको बस्ट किया जाए। इसमें हमारी एक्शन जो है वो चल रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिछले 3 दिनों में मंडी ज़िला में कुल मिला के करीब 20 किलो चरस जो है वो डिफरेंट केसेस में पकड़ी गई है। 14 किलो का ये केस है और पद्दर थाने में 6 किलो के 2 अलग अलग केसेस जो हैं वो दर्ज हुए हैं और साथ में गाड़ियां भी जब्त की जा रही हैं और लोगों के कमर्शियल क्वांटिटी के पीछे अभी हम कैच करने में हम प्रयासरत हैं।